देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी आज का टॉपिक है और वैसे 10th मैथ्स का क्लास नंबर 14 है, क्लियर है ना। समांतर श्रेणी आप ध्यान से देखो इसको, ये कैसे बना है समांतर श्रेणी, यानी कि ये बना है समान प्लस अंतर से बना है। जिनके भी पास नोट से वहीं पर लिख लेना है, समान प्लस अंतर, क्लियर है ना, वहीं पर ऐसे लिख लो समान प्लस अंतर, यानी कि ऐसी श्रेणी है ना, यानी कि ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिनके बीच है ना, जिनके बीच जो पद है ना, यानी कि पदों में जो अंतर हो, समझ पा रहे ना, पदों में जो अंतर हो वो क्या हो, समान रूप से हो, हर पद में हर पद का अंतर क्या हो, समान रूप से हो, क्लियर है। अब यही चीज है आपका समांतर श्रेणी, जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैं चलाऊं, तो आप यहां पर कहोगे यहां पर हर पद के बीच में जो अंतर है वो एक का है, हर पद के बीच में अंतर कितने का है, एक का है, हर पद के बीच में अंतर कितने का है, एक का है, हर पद के बीच में अंतर कितने का है, एक का है। इतना समझ पाए, ऐसी श्रेणी जिनके बीच जो पदों का अंतर होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। इसके ऊपर ऐसे एरो बनाकर लिख लेना, क्लियर है ना, ऐसे एरो बनाकर लिख लेना, इसे कभी भी ओपन करोगे तो वहां से क्लियर रहेगा, क्लियर है। अब बताओ ये जो पदों का अंतर होगा ये प्लस में भी हो सकता है ना, प्लस में भी हो सकता है, या पदों का अंतर किस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे ये मैंने लिखा, मैं इसी को मान लो उल्टा कर दूं, क्लियर है, मान लो मैं कह देता हूं 10 8 6 4 2 0 -2 -4 ऐसे मान लो करते चले, क्लियर है, तो आप कहोगे यहां पदों का अंतर क्या है भैया, 2 है, नहीं -2 है। वैसे पदों का तो अंतर 2 तो है ही, पदों का अंतर 2 तो है ही, लेकिन हमने क्या बताया, पदों का अंतर यहां प्लस करने से प्राप्त मिल रहा है, आगे वाले पद कंटिन्यू चल रहे हैं और यहां पर जो पद हैं ये माइनस करने पर मिल रहा है, पद कैसे मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, माइनस करने पर मिल रहे हैं, ध्यान से समझना, पद कैसे मिल रहे हैं, माइनस करने पर मिल रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया, समांतर श्रेणी का मतलब ऐसी श्रेणी जिनके बीच जो पदों का अंतर, जिनके बीच पदों में अंतर हो, मैंने क्या बताया, पदों में अंतर हो, अब पदों में एक का, दो का, हजार का, बटा में, दशमलव में, इससे नहीं मतलब, मतलब पदों का अंतर हो और वो अंतर प्लस में भी हो सकता है और अंतर माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जो पदों का अंतर हो वो सेम, पदों का अंतर सब में हो, सब में एक जैसा हो, यहाँ पर सब में एक जैसा है, तो जो पदों का अंतर रहता है, जो पदों का अंतर रहता है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, सब में होना चाहिए, है ना, सभी रूप में होना चाहिए, इसलिए ऐसे पदों के अंतर को ही सार्वांतर बोलते हैं। सार्व अंतर यानी कि सभी में अंतर सेम है, सार्व अंतर यानी कि सभी में अंतर सेम है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझना भाई, बहुत काम की चीज है। जो पदों का अंतर होगा वो क्या होगा, सार्व अंतर होगा, कैसे निकाल रहे हो, दो में से एक गया, दो में से एक गया क्या आया, एक आया, तीन में से दो गया, एक आया, यहाँ कैसे निकाल रहे हो, अगर 10 में से 8 कम कर रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं, 10 में से 8 कम किए 2 आए, लेकिन 8 में से 10 कम किए तो -2 आया, क्लियर है। यानी कि जो पदों का अंतर निकाला जाता है, ध्यान से समझना, पदों का अंतर, अरे साला क्या है, चलें अब सही है, पदों का अंतर कैसे निकाला जाता है, तो पदों का अंतर मतलब पद, पदों का अंतर मतलब पद, और उस पद में से कोई भी पद, यहाँ पर कोई भी पद जो आप मन करे वो ले लो, पद और उसके ठीक पहले वाला पद, पदों का अंतर कैसे निकालेंगे, कोई भी पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी पद ले लो और उसके ठीक वाला पद उसमें माइनस करना है, क्या करना है, उसके ठीक पहले वाला पद माइनस करना है, क्या माइनस करना बच्चा, उसके ठीक पहले वाला पद माइनस करना, बोलो क्लियर है। पदों का अंतर कैसे निकालोगे, पद, कोई भी पद जो मन करे वो लिख लो, और लेकिन कंडीशन ये, उसके ठीक पहले वाला पद माइनस करना, उसके
ठीक पहले वाला पद माइनस करना। आप गधों का दिमाग लगाओ, अच्छा गुरुजी मान लो हम 10 ले ले तो 10 के कौनो ठीक पहले पद है तो काहे ले रहे हो फिर, जबरदस्ती ले लोगे का नहीं लोगे ना, मतलब समझ में आया। ऐसा पद आपको लेना होगा जिसके पहले कोई पद हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो T2 माइनस T1 करेंगे या T3 माइनस T2 करेंगे, जो मन करे वो करो। लेकिन अगर आप T3 का मतलब तीसरा टर्म ले रहे हो, तीसरा पद ले रहे हो, इसका मतलब आपको वहां पर उसके पहले वाला पद माइनस करना होगा। तो भाई यहां से सूत्र समझ लिया जाता है, सार्वंतर का मतलब जो डिफरेंस है, अंतर का मतलब क्या भैया, अंतर का मतलब डिफरेंस, और जो डिफरेंस है वो कैसा है, कॉमन रूप से है, सब में है, इसलिए सार्वंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन इसको एक्सप्रेस करते हैं डी से, एक्सप्रेस करते हैं किससे, डी से। तो डी बराबर अगर मैं पूछूं क्या हो जाएगा, तो डी बराबर T2 माइनस T1। क्या ये जरूरी है कि हम T2 माइनस T1 ना लिखकर क्या हम लिख सकते हैं T3 माइनस T2 लिख सकते हैं, क्या इसके जगह हम भाई T4 माइनस T3 लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए सौरमंदर के लिए, कंडीशन ये होनी चाहिए अगर आप तीसरा पद ले रहे हो तो उनमें कौन पद माइनस करो, दूसरा पद माइनस करो, दूसरा पद ले रहे हो तो उसमें से कौन सा पद माइनस करो, पहला पद ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि पहले पद के ठीक पहले कुछ तो होना चाहिए ना। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर हो पाया, मैंने क्या बताया, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या, ऐसी श्री जैसी श्रेणी, प्लस में हो माइनस में हो, एबीसीडी हो, गिनती हो, कुछ भी हो, उल्टी हो, सीधी हो, पहाड़ा हो, मतलब कुछ भी हो, मुझसे मतलब ही नहीं है, अंतर सब में सेम होनी चाहिए। समझ में आया, क्योंकि चीख चीख के बता रहा है भाई समांतर, मेरे अंतर मेरे लोगों के बीच जो अंतर होगा ना सब में अंतर होगा। अगर मैं 2 लड्डू खाऊंगा तो हमारे घर के सारे लोग 2 लड्डू खाएंगे, कौनो 2 लड्डू चुरा लेगा तो सब चुराएंगे, कोई 4 2 ज्यादा खा गए तो सब खाएंगे। मतलब अंतर या तो प्लस में होगा या तो माइनस, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, बस कंडीशन अप्लाई यही होनी चाहिए सार्वंतर निकालने के लिए, जो मन करे वो पद ले लो, लेकिन उसमें से वही पद माइनस करो जो उसके ठीक पहले हो। समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हैं, इसे पहले छापिए, इसे लिखिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये 2020 में ये क्वेश्चन आया है, है ना, 2020 में क्वेश्चन क्या है, k के किस मान के लिए k+9, 2k+1 और 2k+7 समांतर श्रेणी के कर्मागत पद है। अब कई सारे बच्चे क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाते हैं, ये kp रूट ये सब देखकर ही घबराहट हो जाती है। तो भाई सिंपल सी ये क्या करें, k+9 है ना, कॉमा लगा, 2k+1 2k+1 फिर कॉमा लगा, 2k+7 ये करेंगे, समांतर श्रेणी है ये तो कंफर्म है ना, ये समांतर श्रेणी है ये तो कंफर्म है। अब जब ये समांतर श्रेणी है तो इनके बीच अंतर भी तो सेम रहेगा भाई ऑब्वियस, ये तभी तो कह रहे हैं समांतर श्रेणी के कर्मागत पद है, मतलब क्रम वाइज ये पद है, बिल्कुल आगे पीछे क्रम नहीं करना, बिल्कुल ये क्रम वाइज लिखा है। तो अगर ये मानते हैं ये पहला पद है T1 है, ये टर्म 1 है, ये मान लिया जाए ना, ये मानते हैं ये पहला पद है तो ये क्या है भैया, दूसरा पद है, ये क्या है तीसरा पद है। अगर कर्मागत पद हैं, देखते हैं क्या सच्ची मुच्ची हैं, क्या वास्तव में इनके इनके बीच अंतर सेम है, तो बताओ भैया सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते थे, हम कह रहे थे कोई भी पद आप ले लो, कोई भी पद आप ले लो, पहला पद नहीं ले सकते हो, पूछो क्यों, क्योंकि पहले पद के पहले कौन पद है, ये ना है ना, हम बोले तो कोई पद उसके माइनस में ठीक पहले वाला पद। आप अगर अच्छा T2 ले लें तो ठीक है, तो T2 लोगे तो क्या माइनस करोगे, बोलो भाई T2 लोगे तो T1 माइनस करोगे। आप करो नहीं 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 नहीं, हम तो लेंगे T3। जब आप T3 लोगे, ध्यान से समझो, ये डिफरेंस 1 सार्वंतर 1 है और ये क्या है सार्वंतर 2, मान लो अगर T3 लोगे तो क्या माइनस करोगे, T1 ना, उसके ठीक पहले, ध्यान देना, तो यानी कि T2 माइनस करोगे, बोलो क्लियर है। अब यहां बताइए T1 बराबर T2 क्या होगा, आप कहोगे 2k+1 और T1 क्या होगा माइनस में k+9, बोलो क्लियर है इतना। यहां पर बताइए T3 क्या होगा, D2 दूसरा अंतर देख रहे हैं,
क्लियर है। तो दूसरा अंतर क्या है, टी थ्री क्या है, टू के प्लस सेवन, माइनस में टी टू क्या है, टू के प्लस में वन। बोलो इतना क्लियर हो पा रहा है ना, यहां तक कोई समस्या? अब इसके बाद में आपको क्या करना है बताओ, इनका हिसाब किताब कर दोगे? ठीक, तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं या इनको मारते हैं गोली, आप ध्यान से समझो पहले। यहां पर जैसे मैं लिख दू दो चार छ, ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से समझो, तो इनके बीच का अंतर क्या आया, दो। इनके बीच का अंतर क्या आया, दो। मतलब अगर आप कह रहे हो चार माइनस दो बराबर क्या आएगा, दो, यानी कि आपने लिया टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ध्यान से समझो, आपने क्या लिया पहले टी टू माइनस टी वन, तब दो आया, क्लियर है। अब हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे भैया, ये टी वन है, ये क्या है टी टू है, ये टी थ्री, अब तो हम लेंगे टी थ्री, हम क्या लेंगे भैया टी थ्री, तो भैया टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू, अगर ये लेंगे तो बताओ ये भी तो सर्वांतर है, सर्वांतर का मतलब कोई भी पद ले लो, कोई जरूरी नहीं ले, हम ये लेंगे तो लेते हैं, छह माइनस चार क्या आएगा, दो। मतलब आप कोई भी पद लोगे, बताओ सर्वांतर क्या हमेशा सेम होगा, सर्वांतर हमेशा बराबर होगा। तो अगर यहां पर हम कह दें क्या ये बराबर ये होगा, बोलो भाई, भाई सब में यहां भी डिफरेंस है, यहां भी, जब ये बराबर ये है तो क्या ये बराबर ये नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा ना। तो यहां पर आप बताओ सर्वांतर पहला d1 आया, तो क्या d1 बराबर d2 होगा कि नहीं, इसी तरह बराबर d3, इसी तरह बराबर d4, इसी तरह बराबर d5, ये चलता रहेगा कंटिन्यू, ये चलता रहेगा। अगर इसको व्यापक रूप में देखें तो आप क्या कहोगे, d1 सर्वांतर का मतलब यहां वन की बात कर रहे हैं, है ना, यहां सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो सीरीज वाइज चलने का मतलब जब हम सीरीज वाइज चलेंगे तो दूसरे में से पहला माइनस करेंगे ना, तो इसका क्या बन जाएगा, आपको आप कह सकते हो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, है ना, समय अंतर सेम आएगा, या बराबर क्या हो जाएगा t4 माइनस t3, या t5 माइनस, बोलो t4, ये सब बराबर होगा ना। अभी हमारे पास कितने पद है, एक दो तीन, तो तीन पद में अगर खुरापात हम करेंगे तो जरा दिमाग लगाओ, इतना ही तो मिलेगा, इतना ही तो मिलेगा ना, बल्कि ये भी नहीं मिलेगा आपका, ये तो हट जाएगा, ये तो उसमें चला गया है ना, इतना ही तो मिलेगा। मतलब क्या हम यहां पर बोल सकते हैं अंतर सेम होगा, आपको अभी नहीं दिख रहा है, दिखाता हूं, d1 बराबर जब इनको सॉल्व करोगे 2k है ना, और प्लस में 1 या माइनस, अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो k हो गया प्लस में, अब बताओ ये प्लस है, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, नाइन हो गया, और क्लियर है। अब ये बताओ यहां पर, यहां क्या आएगा 2k, बोलो 2k प्लस 7, अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो माइनस 2k और माइनस 1, बोलो इतना क्लियर हो पा रहा है, यहां तक कोई समस्या? अब इसके बाद में इनको हिसाब किताब करना तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, 2k में से 1k निकल गया, कितना k आया, 1k आया, माइनस 9 में से 1 गया, 8 आया, लेकिन क्या आएगा माइनस 8, तो d1 बराबर इतना हुआ, क्लियर है ना। यहां पर बताओ D2 बराबर क्या कर देंगे, 2k 2k प्लस माइनस कैंसिल हुआ, सात में से गया, छः प्लस में आएगा ना। अभी आपने देखा कि D1 बराबर D2 इक्वल होगा, होगा कि नहीं भाई, तो अगर जब इक्वल होगा तो इसको हम क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं, D1 बराबर D2, तो D1 का मान क्या आया, k माइनस आठ बराबर D2 का मान क्या आया, छः आया। अब बताओ जब आठ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो छः प्लस आठ, आठ छः चौदह, इतना आंसर आ गया, क्लियर है। आप कह रहे हो गुरुज झमेला लग रहा है, झमेला लग रहा है सच में, तो इसके लिए आप सीधा एक सीरीज याद कर लो, वो सीरीज क्या है, वही पुरानी सीरीज कि अंतर समय सेम होगा, अंतर कैसे निकालेंगे, कोई भी पद उसके पहले वाला पद माइनस करना है, किसी भी पद में क्या माइनस करना है, उसके पहले वाला पद माइनस करना है। अगर हम दूसरा पद, अच्छा T1 ले नहीं सकते हैं कि ले सकते हैं पहला पद, बोलो भाई नहीं ले सकते ना, तो अगर हम दूसरे पद में से पहला पद निकालेंगे सर्वांतर हो गया, तो क्या ये तीसरे पद में से अगर दूसरा पद निकालेंगे ये भी तो सर्वांतर है ना। अरे भाई कोई भी पद लो लेकिन उसके पहले वाला पद, तो टी थ्री का मतलब तीसरा पद है ना, बराबर अगर हम यहां कर देते हैं टी फोर माइनस
क्या करोगे आप, उसके पहले वाला पद क्या होगा, T3। तो ये सीरीज चलती रहेगी ना, तो बस यही वाला आप सीधा इसको चाहो तो आप मतलब इसको आप याद कर सकते हो कि ये चीज आपका होता है T2 - T1, यानी सारवंतर 1 बराबर होगा सारवंतर 2 की। क्लियर है? आप चाहो तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल समझ सकते हो। लेकिन ये कहां से आया, ये पूरी हिस्ट्री समझ में आई आराम से कि ये बराबर 14 आ गया। अगर आप क्वेश्चन को देखकर ये कहां से लग रहा है भाई, समांतर श्रेणी के अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया गया था बिल्कुल उसी पर लग रहा है। समझ पाए भाई, सब में अंतर सेम होगा ना, तो पहले अंतर आप कैसे निकालोगे, इनमें से इनमें माइनस किए, तो ये वाला अंतर ये वाले अंतर के बराबर होना चाहिए ना। तो वही तो मैंने किया, बताओ T2 - T1 ये पहले का अंतर है, पहले दूसरे का, और यहाँ T3 - T2 ये तीसरे और दूसरे का अंतर है, मैंने बराबर कर दिया। तो आप शॉर्ट में भी लगा सकते हो, इन सबको मारो गोली, है ना। आप यहाँ ये कॉन्सेप्ट आ गया ना क्लियर, अब आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो और कहीं भी ये सीरीज चलाते रहना, T2 - T1 - T3 - T2 - T4 - T3 - T4 - T5 - T4 - T6 - T5 - T6 - T6, ऐसे चलता रहेगा। अब मान लो कोई गायब कर दिए, मान लो आप ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पर हम कर दिए T4 - T3 ये हटा दिए, क्या अब ये बराबर नहीं होगा, बराबर तो होगा ही क्योंकि सार्वंतर तो अंतर तो है ही ना। लेकिन अभी हमारे पास खैर तीन ही पद है, जब तीन पद में हम खुरापात करेंगे तो क्या कर पाएंगे भाई, T2 - T1 - T3 - T4 में कहाँ जाएंगे, तो मत जाओ ना, जबरदस्ती थोड़ी है मेरे पास, इतना टाइम थोड़ी है तुम लोग के पास, बहुत बिजी हो ना, तो क्या हो जाएगा T3 - T2 हो जाएगा कि नहीं, रखो T2 क्या है, बोलो T2 क्या है, T2 है 2K+1, हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में है, -T1 क्या है, कहाँ गया T1, ये क्या है K+9 है, ब्रेकेट में कर देना अंदर का चिन्ह, ये प्लस माइनस की वजह से गलती होगी देख लेना। T3 क्या है 2K+7, -T2 क्या है 2K+1 है, हिसाब किताब करना तो आता ही है, बड़े तेज हो तुम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा 2K+1 अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -K - 9 बराबर 2K+7 अंदर का चिन्ह बदलेगा, -2K - 1, बोलो क्लियर है ना। अब यहां पर 2K में से 1K निकल गया, बचा 1K, 1 तो लिखा नहीं जाता है, है ना। अब यहां +1 - 9 तो प्लस माइनस 9 में से गया 8, ज्यादा कौन है 8, इसलिए के माइनस 8 हुआ बराबर 2K, ये प्लस में ये माइनस में, बेचारा शहीद युद्ध करते हुए शहीद हुआ। क्लियर है? यहाँ क्या आया +7, यहाँ क्या आया -1, तो प्लस माइनस 7 में से गया 1 - 6, 7 में से गया 6, ज्यादा कौन है 7 है इसलिए +6 करेंगे, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में होगा, तो के बराबर क्या होगा 6 + 8 = 14, मतलब चाहे जैसे लगाओ आंसर तो सबसे आएगा। अब क्या होता है, इस तरह से लगाना आसान हो जाता है। क्लियर है ना, समझ में आया, तो आराम से जो देखो 2020 का एक क्वेश्चन आया है, सीधा कॉन्सेप्ट पर लगा, इसे उतार लीजिए। अब भैया मान लीजिए आपका पहला पद, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए पहला पद दिया गया हो 2, मानते हैं, क्या मान लेते हैं, माना जाता है कि पहला पद क्या दिया गया है 2, और ये दिया गया कि जो अंतर है ना, यहाँ टर्म 1 T1 बराबर 2 दिया गया है पहला पद, और जो अंतर है यानी कि जो सार्व अंतर है, क्या है, जो सार्व अंतर है सभी में अंतर वो 3 का है, है ना। पहला पद 2 है और जो सब में अंतर है वो 3 का है। अब ये करें, अच्छा अब पैदा करो कौन सीरीज है, पैदा करना है, ये इनके मम्मी पापा कौन है, अरे ससुरा, क्या करना है, ये क्या बता रहे, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला पद, पहले पद को यहाँ पर A से डिनोट करेंगे, क्या चीज, कल छुट्टी है, कल परसों छुट्टी है। पहला पद क्या है 2 है, क्लियर है ना, पहला पद क्या है भैया 2 है और सार्वंतर मानते हैं क्या है 3 है, तो अब हमें पैदा करना है, किसको पैदा करना है, एक मिनट बताओ जरा, किसको पैदा करना है, इनके मम्मी पापा कौन है, कौन सीरीज है, कौन सी श्रेणी है, उसमें सब में दिखाओ 3-3 का अंतर है, जैसे शुरुआत में 2-2 का अंतर है, 1-1 अंतर है, इसे दिखाना है। तो मतलब पहला पद 2 है
ध्यान से समझना, पहला पद क्या है भैया? दो है। पहला पद दो है और समय कितने का अंतर है? तीन दिन का। अच्छा, पहला पद दो है। हाँ, कल परसों छुट्टी। पहला पद क्या है? दो है। क्लियर है ना? पहला पद क्या है? दो है। और इसका मतलब दूसरा पद भी तो दो होगा। दूसरा पद, अरे सुनो, पहले सुनो सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो, समझो। पहला पद क्या है? दो है, है ना? और आगे के जो भी पद है, मान लो हमें नहीं पता है, लेकिन सब में तीन का अंतर है। सब में कितने का अंतर है? तीन का अंतर है। और मानते ये सब में तीन का अंतर, सब में तीन का अंतर, लो आगे यहाँ डिब्बा हो गया, सब में तीन का अंतर, फिर आगे डिब्बा हो गया, सब में तीन का अंतर। क्या चल रहा है? ध्यान से समझो, पहला पद क्या है? दो है। पहला पद क्या है? दो है। और आगे करें जो भी होगा, सब में तीन का अंतर होगा। पहला पद दो है तो दूसरा पद दो है और प्लस तीन, तो यहाँ दो और यहाँ पांच, बताओ तीन का अंतर हुआ। आगे दो प्लस तीन प्लस तीन, तीन तीन का अंतर है ना, तो इसका मतलब तीन तीन जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आठ। देखो इन दोनों के बीच अंतर तीन का दिखा रहे हैं, देख रहे हो मम्मी पापा को ने, इन दोनों के बीच में अंतर तीन का। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? कंफर्म हो रहा है? आगे आगे आप कहोगे दो प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, है ना, तो क्या होगा भैया? आप कहोगे दो तीन पांच तीन आठ तीन ग्यारह, आठ तीन ग्यारह, यानी ग्यारह क्या इनके बीच तीन का अंतर है। और एक गजब, इसका मतलब पहला पद निकालने के लिए, ध्यान से समझो। अच्छा ये समझ में आया, इसका मतलब हमारे ये सही है ना, ध्यान से समझना, इसका मतलब हमारे ये सही है। अच्छा पहले, अब इनके अनुसार आते हैं, ये अगर हम पहला पद को ए मान लेना, अच्छा मान लिए ए, मान लिए क्या मान लिए? ए मान लिए। और ये कह रहे ना जो आगे होगा सार्वंतर को डी मानना, सार्वंतर को क्या मानना? डी। तो इनको हम क्या मान लें? ये ए हो गया और यहाँ क्या हो गया? प्लस डी हो गया। यहाँ पर भैया दो और यहाँ पर प्लस, यहाँ डी डी, यहाँ क्या मानेंगे भाई? डी डी हो गया। यहाँ पर आगे क्या चलेंगे? अरे सॉरी, दो को भाई सार्वंतर, पहला पद को दो मत मानो, पहला पद को क्या मान लो? ए मान लो। तो देखो यहाँ पर ए प्लस डी डी, आगे जब चलेंगे तो क्या होगा? ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी 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 डी। समझ में आया? मतलब ऐसे ये चलते रहेंगे, समझ पाए ना? ऐसे जब चलते रहेंगे तो आप बताओ यहाँ क्या होगा? ए, एक मिनट, यहाँ क्या होगा? ए, यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस डी होगा, बोलो होगा कि नहीं? देखो क्या चीज, देखो यहाँ पर क्या होगा? ए, यहाँ पर क्या होगा भैया? ए प्लस डी होगा। यहाँ पर डी एक बार नहीं है, दूसरी बार, अच्छा ठीक है, तो ए प्लस क्या होगा? टू डी होगा। यहाँ पर कितनी बार है? थ्री डी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी। समझ में आया? इसका मतलब समांतर श्रेणी हमारा फाइनली कहाँ बना? ये बना, दो पांच आठ ग्यारह, ग्यारह बाद क्या आएगा? चौदह, चौदह बाद सत्रह, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग लगाओ, इसका मतलब ये हुआ असली तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यही है भैया। असली समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कौन है? ये है। समझ पाए इतना? देखिए भैया यहाँ पर ये चीज क्लियर हो पाया? आपने क्या देखा? देखो एक बार इस चीज को फिर से समझो, बहुत काम की चीज है। मैंने क्या कहा? मान लो पहला पद क्या है, माना पहला पद क्या है भैया? दो है। क्लियर है ना? और सबके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए? यानी कि सार्वंतर, सबके बीच जो अंतर होना चाहिए, यानी कि सार्वंतर डी, सार्वंतर डी बराबर क्या होना चाहिए? तीन होना चाहिए। तो आपने कहा पहला पद दो है, अच्छा तो दूसरा सबके बीच अंतर तीन का होना चाहिए, तो दो प्लस तीन, यहां से जब आपने देखा तो यहाँ बना दो और यहाँ तीन दो पांच, इन दोनों के बीच का अंतर तीन हो गया, मतलब सही चल रहे हैं। आगे दो प्लस तीन प्लस तीन, जब इनको आगे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आप कहोगे तीन तीन छह दो आठ, इनके बीच का अंतर क्या आ गया? तीन आ गया। इनके बीच का अंतर क्या आ गया? तीन आ गया। जब आगे करोगे दो प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, तब क्या आएगा?
तीन तीन छह तीन नौ दो ग्यारह, तब इनके बीच का अंतर कितना आ गया, ग्यारह आ गया। जब आगे ऐसे करोगे दो प्लस, अरे सॉरी सॉरी भाई तीन आएगा आगे, जब करोगे तो दो प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन करोगे, तब इनके बीच का अंतर क्या आएगा, तीन तीन चार तीन नौ तीन बारह दो चौदह, चौदह आया, इनके बीच का अंतर क्या आया, यानी कि इस तरह से हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। बोलो समझ पाए ना। अगर यहाँ पर ए को दो मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, ए को दो मान लिया जाए, जब हम यहाँ पर ए को दो मानेंगे तो बताइए, मतलब ये कह रहे हैं प्रथम पद को दो मत मानो, प्रथम पद को ए मानो। अच्छा ठीक है, सरका दिए लो ए हो गया, कह रहे जहां जहां प्रथम है वहां वहां ए, जहां जहां ए दो वहां वहां ए, वहां वहां ए। बोलो समझ में आया, ऐसे चलता रहेगा। और ये कह रहे सार्वंतर को तीन मत मानो, सार्वंतर को क्या मानो, डी मान लो, तो सार्वंतर को चलो डी हो गया, यहां पर क्या हो गया भाई D प्लस डी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया D प्लस डी प्लस डी, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा D प्लस डी प्लस डी प्लस डी डी डी। क्लियर है, अभी समझ में आया, ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अरे ठीक अभी यहाँ समझ में आया, अब यहाँ पर बताओ A प्लस, आप करो A प्लस डी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप करो सर जी दो ही बार है ना, तो इनको ये सजातीय पद है, जोड़ा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा A प्लस टू डी, आगे क्या हो जाएगा A प्लस थ्री डी, A प्लस थ्री डी, आगे क्या हो जाएगा A प्लस फोर डी। अब तुम्हारा दिमाग काम करो, अच्छा इसका मतलब A प्लस फाइव डी, A प्लस सिक्स डी, A प्लस सेवन डी, हाँ हाँ ऐसा होगा। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ ना। तो ये जो आपका बन रहा है, ध्यान से समझो, ये जो आपका इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है, देख पा रहे ना, ये जो कंटिन्यू चल रहा है ये क्या है भैया, यहीं से तो समांतर सरणी बन रही है, यहीं से तो आपका समांतर सरणी बन रही है। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये चीज एक्चुअल में क्या है भैया, समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है। क्या भैया, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, मतलब अगर समांतर श्रेणी को पैदा करना हुआ तब हम ये ए प्लस ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी ये लगाएंगे, तो हम ये नाटक करने से अच्छा अगर हम डायरेक्ट यही पर अप्लाई कर दें, तो ये करें प्रथम पद दो है, सार्वंतर तीन है, तब बताओ समांतर श्रेणी, बताओ कौन सी समांतर श्रेणी के प्रथम पद है। तो आपको हो गया अच्छा, ये भैया दिए हैं, बताएं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बराबर क्या होगा, ए, तो ए का मतलब दो कॉमा, फिर ए प्लस डी, ए प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा दो तीन पांच, फिर ए प्लस टू डी, तो ए का मान दो है और टू डी क्या हो जाएगा दो तीन छे, छे दो आठ। क्लियर है ना। अब आप करो, अबे यार हटाओ इनके नौटंकी हटाओ, सब में अंतर तीन का है ना, आप कह रहे हो एक काम करो, आप कह रहे हो सब में, हाँ बल बल आप कह रहे हो सब में अंतर हटाओ, आपने जैसे दो किया, ध्यान से समझो, आपने जैसे किया अब आपका दिमाग डायरेक्ट काम करने लगा, आप करो गुरु जी काहे पगलवाए हो, डी कमान दू तीन छा दून आठ, सम्मत तीन तीन ना जोड़ा चला जी, हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा, बस आठ है ना, ग्यारह चौदह जितना मन करे उतना पैदा कर दो, तुम समझ पाए, क्लियर है ना। तो इस तरह से समांतर श्रेणी, आप सूत्र भी समझ में आया, समांतर श्रेणी का व्यापक क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, बोलो समझ में आया। तो अगर ए बराबर दो और सार्वंतर बराबर तीन, और ये कह रहे हैं समांतर श्रेणी का शुरुआत से पांचवा पद, पांच पद तक बताओ समांतर श्रेणी, तो एक दो तीन चार पांच, ये कह रहे हैं सात पद तक, अच्छा सात बताना है, ठीक है सात बताना है, ठीक है, तो चौदह तीन सत्रह, तीन बीस, बीस तीन तेईस, बन गया कि नहीं, बोलो अब समझ में आया। अब यहां पर तुम करो, अरे गुरु जी कुछ और आसान ना है ना, कुछ और आसान नहीं है, अब ध्यान से देखो, मान लो ये कह दे, ये तो लगातार पूछे, ये क्या पूछे, लगातार पूछे, मान लो कह दे भैया प्रथम पद दो होना चाहिए और सार्वंतर तीन होना चाहिए, तो बताओ नवा पद क्या होगा, नवा पद क्या होगा, ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा प्रथम पद दो होना चाहिए है ना, और सबके बीच अंतर कितने का होना चाहिए,
तीन का होना चाहिए। तो बताओ भैया नवे नंबर पर कौन होगा, देश भर की कहानी हमें ना गिनाओ, हमें डायरेक्ट बताओ नवे नंबर पर कौन संख्या है। तुम करो अच्छा ऐसी बात है, तो देखो पूरा बात करते हैं भाई। पहले नंबर पर क्या किया गया, हमने कुछ नहीं जोड़ा, पहले नंबर पर हमने कुछ नहीं जोड़ा, तो पहले नंबर कैसे आया, ए प्लस, ध्यान से समझो पहला नंबर आपका कैसे आया, अब दिमाग लगाओ, पहला नंबर आया, पहला नंबर ए प्लस एक माइनस एक डी, ए प्लस एक माइनस एक डी। दूसरा नंबर कैसे आया होगा, बराबर आया ए प्लस जीरो डी, ए प्लस जीरो डी का मतलब ए है ना, तो दूसरा कैसे आया होगा, इसका मतलब दूसरा तो आना चाहिए ए प्लस दुई माइनस एक डी, समझ रहे हो ना। दूसरा पद कैसे भाई, पहला पद यक माइनस यक कर गया, तो दूसरा पद कैसे आना चाहिए, अब दिमाग लगाओ ए प्लस दो माइनस एक डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक डी, अब एक तो लिखा नहीं जाता है इसलिए सीधा क्या करेंगे ए प्लस डी। अब करो अच्छा तीसरा पद कैसे आवा हो, कैसे आया होगा, तो ए प्लस थ्री माइनस एक बराबर क्या, सॉरी ए प्लस थ्री और सारबंदर का मतलब सब में डी 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 सेम रहेगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी हो जाएगा, समझ पा रहे ना। अब तुम्हारा दिमाग काम किया, अच्छा इसका मतलब चौथा पद ए प्लस चार माइनस ए, हाँ भैया, और डी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलते रहेंगे, हाँ चलते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, अच्छा मान लो एन तक चलते रहे, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, यहाँ पर ध्यान से समझो, मैंने कहा पहला पद क्या होगा, मैंने क्या कहा पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, तो आपने कहा पहला पद पहला लिख दो काम खत्म। मैंने कहा दूसरा पद क्या होगा यानी कि द्वितीय पद क्या होगा, आपने कहा दुई माइनस एक कर दो, ए प्लस दो माइनस एक कर दो, तो ए प्लस डी आ जाएगा। आपने कहा तृतीय पद क्या होगा, बोलो, मैंने कहा तृतीय पद, तो आपने कहा आपने तीन में से एक माइनस कर दिया है, मतलब जितना पद बोले उनमें से एक माइनस करके डी लगा दो, क्लियर है ना, तो ए प्लस थ्री माइनस वन डी आ गया। मैं कह दूं भैया चतुर्थ पद क्या होगा, चतुर्थ पद क्या होगा, तो आप कहोगे अरे गुरु जी काहे पगलवाए हो, ए प्लस चार माइनस एक डी कर दो। मैं कह दूं ऐसे मान लो एनवा पद क्या होगा, मैं क्या कह दूं आपसे, बताओ भैया आप एनवा पद क्या होगा, आप कहोगे अच्छा एन का मान एक दो तीन चार हजार दस हजार कुछ भी हो सकता है, तो एनवा पद का मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी कर दो ना, ये सूत्र बन गया। बोलो समझ में आया, इतना क्लियर है ना, इसको लिख लीजिए। अब भैया यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन पद पूछा था जरा से बताओ तो, नवा पद, नवा, अच्छा ठीक है नवा पद निकालते, नवा पद मतलब समझ रहे ना, तो आप सीधा लिखो नवा पद, नवा का मतलब नाइन्थ टर्म, क्लियर है, तो नवा पद आप क्या करोगे, अच्छा ए प्लस नौ माइनस एक डी कर देंगे, हाँ बिल्कुल कर दो, सूत्र बन गया, बना लिए, तो क्या हो जाएगा नवा पद बराबर, बोलो नवा पद बराबर क्या हो जाएगा, एक ए प्लस आठ डी। अब तुम्हारे दिमाग में अच्छा गुरुजी तो मतलब ए प्लस सब डी होए, नवा पूछे तो आठ कर देंगे, दसवा पूछेगा तो ए प्लस नौ डी कर देंगे, बारहवा पूछेगा तो ए प्लस ग्यारह डी कर देंगे, एनवा पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस वन डी कर देंगे, हाँ भैया बिल्कुल ऐसे कर देगा, क्लियर है। तो यहां नवा पद पूछा तो आप डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हो ना, क्लियर है, तो अब लगाओ ए का मान दो है तो नवा पद बराबर क्या हो जाएगा, नवा पद बराबर ए का मान दो और प्लस आठ डी, आठ गुणे तीन तो दो प्लस आठ त्रिक चौबीस, चौबीस दो छब्बीस, कितना आया भैया छब्बीस आया ना। अब तुम करो नहीं नहीं हमें दिखाओ तुम नवे नंबर पर छब्बीस आना चाहिए, अच्छा दिखाऊं, आओ दिखाता हूं, पहला पद दो, दूसरा पद तीन तीन जोड़े ना है, गजब तीन तीन जोड़े ना है ना, तो पांच, तीसरा पद पांच तीन आठ, चौथा पद आठ तीन ग्यारह, पांचवा पद चौदह, छठा पद चौदह तीन सत्रह, सातवा पद बीस, आठवा पद तेईस और नौ पद गौजा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सतवा आठवा नौवा, नौवा समझ में आया, अब नौवा आ गया बाल बनाएगा, समझ में आया, ठीक है इनको बाल बनाने दो तुम लोग उतारो, चलिए नोट डाउन, समझ में आया सबको, yes, sir, sir.